वो आपका रिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पहले पता ही है कि इसके पहले मैंने दो तीन प्रॉब्लम ये जो चैप्टर चल रहा है अपना लिमिट फ्री एंड टॉलरेंस के उसके ऊपर अपलोड किए हैं। तो अभी का ये जो प्रॉब्लम है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी पहले जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और धीरे धीरे क्या करेंगे लेवल थोड़ी सी बढ़ाते रहेंगे। तो आपको जो मेट्रोलॉजी में ये जो लिमिट फिट्स का चैप्टर है जो गेट में आता है या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता है, आपको इसके आंसर आ जाएंगे। तो वीडियो की तरफ पढ़ते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से दिया है। इन्हें लिमिट सिस्टम द फॉलोइंग लिमिट्स आर स्पेसिफाइड टू गिव ए क्लियरेंस फिट। एक लिमिट सिस्टम है उसमें क्या है आपको क्लियरेंस फिट ऑब्टेन करने का है बिटवीन होल एंड शाफ्ट। तो शाफ्ट एंड होल, तो अभी शाफ्ट का डायमेंशन क्या दिया है 50 माइनस 0.06 माइनस 0.02, होल का दिया है 50.03 और नीचे माइनस पॉइंट, माइनस नहीं मतलब 0.0 है मतलब कुछ भी नहीं है। और आपको निकालना क्या है इसमें, अभी बेसिक साइज निकालना है, उसके बाद टॉलरेंस निकालना है दोनों का भी, शाफ्ट का और होल का, जैसे पहले प्रॉब्लम हुए थे सेम मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। इसके जो पहले प्रॉब्लम हुए थे उसमें अपन वी डोंट कैलकुलेट क्लियरेंस। तो अभी एक ये प्रॉब्लम में अपने को क्या करना है क्लियरेंस निकालना है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले क्या करो हायर लिमिट ऑफ होल लोअर लिमिट ऑफ होल हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकालो। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। आंसर हायर लिमिट ऑन लिमिट ऑफ होल कैसे निकालना है, देखो होल इधर है 50.00 प्लस 0.030, तो क्या होगा ये 50.030, ये हाई लिमिट हो गया। उसके बाद लो लिमिट क्या आएगा आपका 50 आएगा, क्योंकि आपका लोअर लिमिट कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, लोअर टॉलरेंस कुछ भी नहीं दिया। सेम अभी क्या करना है आपको, ये हो गया होल का, क्या करना है आपको शाफ्ट का निकालना है। शाफ्ट का निकालने के लिए क्या दिया है आपको 50 माइनस दिया है माइनस 0.0, मुझे लगता है 0.06 है वो, यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे 0.06 नहीं था वो 0.006 था। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया अभी 0.006, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कैलकुलेशन किया है वो कितना है 49.994 आएगा। सेम अभी ये क्या था आपका हाई लिमिट था, आपको क्या करना है लो लिमिट निकालना है, लो लिमिट ऑन शाफ्ट, उसके लिए क्या करो 50 माइनस 0.02, तो ये क्या आता है आपका 49.98। अभी देखो ये हाई लिमिट हो गया होल का, ये लो लिमिट हो गया। तो आपको पता है कि टॉलरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट करो, तो ये क्या आता है आपका टॉलरेंस क्या आएगा 0.030, ठीक। सेम अभी इसका निकालना है आपको, इसका हाई लिमिट कितना है 49.994 माइनस 49.98, तो ये कितना आता है देखो 0.014। अभी ये आया शाफ्ट का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और होल का कितना है 0.030, ये होल का टॉलरेंस हो गया, ये शाफ्ट का टॉलरेंस हो गया। अभी आपको क्या करना है उसका दोनों का मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले जो होल का साइज़ है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये साइज़ क्या है आपका 49.994 है और ये 49.98 है। सेम ये कितने आपका 50.030 और ये लोअर साइड के आपका 50 है। अभी मैक्सिमम क्लियरेंस कब रहता है और मिनिमम क्लियरेंस कब रहता है, देखो अगर मैं मेरा ये जो होल है
ये मैक्सिमम लिमिट पे मैन्युफैक्चर करता हूँ, मतलब जितना बड़ा हो सके मुझे उतना बड़ा मैन्युफैक्चर करता हूँ, मतलब विद इन टॉलरेंस लिमिट। तो मेरा मैक्सिमम साइज़ क्या रहेगा, 50.030 रहेगा। ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए कर रहे हैं, 50.030। मैंने होल यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया और शाफ्ट क्या किया, जितना हो सकता है छोटा उतना छोटा मैन्युफैक्चर किया, 49.98। तो देखो 0.5, तो ये कितना आया, 0.05। ये आपका क्या है, मैक्सिमम क्लियरेंस है। अभी मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो मिनिमम क्लियरेंस के लिए इसका होल क्या किया मैंने, जितना छोटा हो सके उतना छोटा मैन्युफैक्चर किया, और शाफ्ट जितना बड़ा मैन्युफैक्चर होता है उतना हायर लिमिट पे मैन्युफैक्चर किया। तो देखो क्या होता, क्या होगा, ये होगा 50, ये 50 लिया और इसका अपर लिमिट क्या है, 49.994। तो 6600, ये कितना आया, मिनिमम क्लियरेंस कितना आया, 0.006 आया, और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना आया, 0.05 आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।